हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम अपनी मैगी को देने जा रहे हैं एक नया फ्लेवर, सेज़वान फ्लेवर। तो मैंने पैन चढ़ा दिया है, पैन चढ़ाने के बाद इसमें थोड़ा सा ज़ीरा डाला है। अब ये गए हमारे टमाटर और प्याज, इनको भी हमें गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेना है। तो इनको थोड़ी देर पकाएंगे, अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा गल जाएँ तो इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर दीजिएगा, चुटकी भर, ज़्यादा नहीं। तो इसको मैंने ऐड कर दिया, अब हम इसको पका लेंगे अच्छे से। तो जब ही हमारा प्याज टमाटर पक जाए तब इसमें हम अपना मैगी मसाला ऐड कर देंगे, और इस मसाले को हम इसी प्याज और टमाटर के साथ थोड़ी देर तक भूनेंगे। फिर हम जब ये मसाला पक जाएगा तब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। तो ये गया हमारा पानी, लगभग 1.5 से 2 कप हम पानी इसमें ऐड कर देंगे। और अगर आपको थोड़ी ग्रेवी वाली पसंद है तो पानी ज़्यादा भी कर सकते हैं। और ये गया हमारा सेज़वान सॉस, ये हमारी मैगी को एक नया फ्लेवर देगा दोस्तों। तो अब हम डाल देंगे इसमें अपनी मैगी, और रेगुलरली जैसे हम मैगी पकाते हैं वैसे मैं इसे बॉईल कर लेना है। और ये यकीन मानिए दोस्तों, ये बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। तो रेगुलर मैगी से आपको थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा, तो आप भी इसे घर पे ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा टेस्ट में। तो जैसे ही अगर आप ग्रेवी पसंद कर रहे हैं तो थोड़ी सी ग्रेवी के लिए आप पानी बढ़ा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पानी ऐड किया और ये हमारी मैगी तैयार है दोस्तों। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये मैगी कितनी देखने में यमी लग रही है। ये टेस्ट में भी आपको उतना ही ज़्यादा मज़ा देगी जितना ये देखने में लग रही है। तो दोस्तों, ये थी हमारी फाइनल रेसिपी। आप रेगुलर मैगी से थोड़ा सा डिफरेंट अगर यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसे एक बार घर पे ज़रूर ट्राई करिएगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं। वैसे मैं इसमें थोड़ा सा टमाटो केचप ऐड कर रहा हूँ दोस्तों, आप चाहें तो अपने टेस्ट को बढ़ाने के लिए इसमें अलग से भी सेज़वान चटनी और ये टमाटो केचप ऐड कर सकते हैं। ये टोटली आपके टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको फ्लेवर अच्छा लगे तो आप इसे और भी बढ़ा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई रेसिपीज़ के साथ। तो एक बार चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि न्यू वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें दोस्तों। ठीक है।